मेरे प्यारे छात्र, नवी कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि सफाई और व्यायाम के कुछ अंशों के बारे में। आज की कक्षा में उसका आगे का अध्ययन करने वाले हैं। पिछली कक्षा में हम शरीर की स्वच्छता तथा किस तरह हम मकान को स्वच्छ रख सकते हैं। शरीर की स्वच्छता में आपको कौन कौन से अंश आते हैं यह आपको मालूम है। पहला तो स्नान करना है, दांत धोना है, और वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र पहनना है, शुभ्र वस्त्र पहनना है। और उसके बाद में मकान की स्वच्छता में हवादार होना है, झाड़ू पोछा लगाना है, मिट्टी को बैठने नहीं देना है, धूल मिट्टी को बैठने नहीं देना है। और पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि हमें जिस तरह मकान के और शरीर की स्वच्छता के बारे में सोचना है, उसी तरह आहार के बारे में भी सोचना चाहिए। आहार हमें नियमित मात्रा में करना है। खाने के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए खाना है। और साथ ही साथ समय पर सोना है, समय पर जागना है, एक समय निश्चित कर रखना है। सुबह मतलब सुबह उतने बजे आपको उठना ही है, सोना मतलब उस समय आपको सोना ही है, ऐसा आपको एक नियम बनाकर रखना है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आपके जिंदगी में एक नियमित मात्रा में ऐसा जो नियमों को सफाई और व्यायाम के बारे में सोचे, तो आप अपना जीवन में कोई भी जो बीमारी के शिकारी नहीं बन जाते हो। और जिस तरह सफाई महत्वपूर्ण है, उसी तरह आपके लिए व्यायाम भी महत्वपूर्ण है। जैसे एक बात कहते हैं, जो आदमी सुबह उठकर कुछ मिनट के वॉकिंग करते हैं, कुछ मिनट के योगासन करते हैं, कुछ मिनट के सरल व्यायाम करते हैं, वह अपना जो पूर्ण जो उस दिन स्वस्थ तथा एक्टिव रहते हैं। जो बिस्तर से उठकर ही डायरेक्ट स्कूल आते हैं ना, उनका जो चेहरा मंद रहते हैं और पाठ में वह एकाग्र नहीं कर सकते। टीचर्स सभी आपको पॉइंट आउट करने का तरीका यही है, आप ठीक तरीके से नींद नहीं किए ना, सुबह जल्दी नहीं उठाए ना, ऐसा जो प्रश्न करने का कारण क्या है, आपकी चेहरा है, आपके चेहरे में वह दिखाई देता है कि इन्होंने पूर्ण तरह से नींद नहीं की है, ऐसा सिंबॉलिकल आइडेंटिफिकेशन देते हैं। व्यायाम हमें एक नियमित मात्रा में करना है। जैसे मुझे, मेरा तो वजन घटा रहा है, इसके कहने पर आप फुल डे आप व्यायाम करते रहे तो ये आपका शरीर के लिए अच्छा नहीं है, आप दूसरे दिन पेशेंट बन जाते हो। इसलिए एक नियमित मात्रा में आपको व्यायाम करना है। व्यायाम तो करना ही है, आप नियमित मात्रा में कीजिए और अधिक मात्रा में कीजिए, व्यायाम तो करना ही है, क्योंकि आपका शरीर एक्टिव रूप से रहने के लिए आपको मिनिमम 2 किलोमीटर सुबह वॉकिंग किए तो आप हेल्दी रहते हो। आपका चेहरा देखिए, आप स्कूल में आते ही आप सुबह उठकर थोड़ा सा वॉकिंग करके पढ़ाई किए तो आपका जो आरोग्य के बारे में पूछना ही नहीं है, आप पूर्ण दिन स्वस्थ रहते हैं। सुबह उठते ही आपको दांत धोकर और दंत मंजन करके आपको क्या करना है, पानी पीना है, 1-2 ग्लास पानी पी लिए तो आपके लिए यह भी एक स्वच्छता का कार्य कर देते हैं, शरीर की सभी कल्पशों को वह बाहर निकालने में मदद करते हैं। आपको यह याद रहना है। इस ओके, हम पुस्तक देखेंगे, पेज नंबर 52। व्यायाम नियमित होना चाहिए, हम में भी अति सर्वत्र वर्जित का नियम लागू होता है। व्यायाम ने हमको
यह जरूरी नहीं कि किसी विशेष प्रकार का ही व्यायाम किया जाए। इट्स ओके, सिंपल सिंपल व्यायाम, हाथ घुमाना, पैर घुमाना, वहां करना, यहां करना, सिर घुमाना, ऐसे जो सिंपल सिंपल व्यायाम आप किए तो भी काफी है। ज्यादा के आपका जो शरीर का जो स्थिति है ना, थोड़ा सा इधर उधर मतलब चेंजेस होना है, यही आपका व्यायाम का एक यह है। नियमित मात्रा में आपको नियमित मात्रा में व्यायाम करना है। व्यायाम करने के लिए समय है, ऐसा कहकर आप पूर्ण दिन व्यायाम करते रहे तो यह आपके लिए हानिकारक सिद्ध बन सकते हैं। बच्चों यहाँ की आपके लिए इतना जरूरी है, देखिए व्यायाम नियमित होना चाहिए, हमें अति सर्वत्र वर्जयत का नियम लागू होता है। इट मीन्स एक सिंपल तरीके का व्यायाम करना है, 2 घंटा 3 घंटा का व्यायाम नहीं है, लगभग 1-2 घंटा मतलब 15-20 मिनट और नहीं तो 30 मिनट का व्यायाम हुए तो काफी है। व्यायाम में हमको यह जरूरी नहीं है किसी विशेष प्रकार का ही व्यायाम किया जाए। वह जो आसन करते हैं ना, सभी आसन करने की जरूरत नहीं, जो सिंपल आसन है आपको मालूम है, शवासन, यह तो आप सबको मालूम है, प्राणायाम, ये सभी करने से क्या होता है, आपके चेहरे पर एक चमक तेज होते हैं। किसी प्रकार का ही, विशेष प्रकार का ही यही करना है, यही नियम से करना है, ऐसा जो नियम नहीं है, आपको आपके लिए जो कंफर्टेबल है उसी तरह का व्यायाम करने के लिए प्रयास कीजिए। विदेशी खेल अधिक व्यय साध्य है किंतु उसमें सामाजिकता अधिक होती है। सी विदेशी खेल, विदेशी खेल खेलने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है। देखिए विदेशी खेल अधिक व्यय साध्य है, यानी यह बहुत कष्ट करना पड़ता है किंतु उनमें सामाजिकता अधिक होते हैं। सामाजिकता यानी बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देशी खेल में 1-2-3-4 मेंबर्स इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन विदेशी खेल यानी फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी, इनमें बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं और उनसे मिलजुल कर हम कुछ न कुछ, देखिए फुटबॉल खेलने वाले जो लड़का बहुत एक्टिव रहते हैं, बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए देना है, क्योंकि क्या है, कंटिन्यूस 1.5 आवर इतना एक्टिव रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। इसलिए आपको यदि फुटबॉल खेलने की अभ्यास है तो प्लीज खेलना है, क्योंकि आपका शरीर का जो बैलेंस करने में वह बहुत महत्वपूर्ण है। खेलते वक्त आपको सचेत रहना है, यह याद रखना है, खेल कर आप हाथ पैर टूट कर बाद में सर ने कहा था फुटबॉल खेलने के लिए, ऐसा कहना नहीं है। आपको खेलते वक्त जागरूकता से खेलना है, लेकिन इससे बहुत शरीर को व्यायाम मिलते हैं। विदेशी खेल में अधिक व्यय साध्य है किंतु इसमें सामाजिकता अधिक है, व्यय तो ज्यादा है, इसमें बहुत कुछ वस्तु लेने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है। हमारा जो गुल्ली डंडा देसी खेल, कई का स्टिक, कई का जो गुल्ली लेकर बना दिया, खर्च नहीं है। कुंटा बिल्ले, मरकोती आटा, इसमें ज्यादा से खर्च नहीं होते हैं। लेकिन विदेशी खेल खेलने के लिए क्रिकेट खेलना है, देखिए बैट लेना है, बॉल लेना है, स्टिक्स लेना है, स्टम्प्स लेना है, और बहुत खर्च होते हैं, बहुत मतलब बहुत खर्च होते हैं, प्रैक्टिस करना है उसके लिए, इसके लिए बहुत खर्च होते हैं। व्यायाम शरीर के पुष्ट और बलिष्ठ रखने का साधन मात्र है, वह जीवन का साध्य नहीं है। व्यायाम जीवन को रष्ट पुष्ट बना सकते हैं, मतलब मनुष्य को रष्ट पुष्ट बना सकते हैं, जीवन निभाने का यह हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आजकल तो बहुत लोग जिम चलाते हैं, इससे ही जीवन बना रहे हैं। यस ओके, रष्ट पुष्ट तो आपको बहुत बना देते हैं, बलिष्ठ बना देते हैं और आपको बहुत स्ट्रांग बना देते हैं। जिम जाने वाले जो बच्चों को देखना है, शोल्डर्स ऐसा जो रहते हैं, और साथ ही साथ
चेस्ट सभी बहुत स्ट्रांग रहते हैं, उनको देखते ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा व्यायाम यदि हम में से आलस्य को दूर नहीं कर सकता तो यह निरर्थक है, निरर्थक है। बच्चों, स्टूडेंट्स लाइफ में किसी को भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलसी किसे कहलाते हैं? आलसी किसे कहलाते हैं? आलसी वह है जो अपना काम खुद करने में उसे दिक्कत है, अपना काम खुद करने में उसे दिक्कत है और वह क्या करते हैं, अपना काम करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। आजकल की एक नियम बन गए हैं बच्चों का, यह है वह क्या करते हैं, अपने इस जीवन में आलस्य को अपनाकर जीवन को व्यर्थ बना देते हैं। कभी कभी आपको अहंकार में आलस्य का भूत बन जाते हैं। मैं एमएलए का बेटा हूं, मुझे ऐसा काम नहीं करना है, वह काम नहीं करना है। जो लड़का अपना आलसी को त्याग नहीं करते हैं वो जीवन में सफल नहीं बन सकते। जो अपने जीवन के आलसी को दूर नहीं कर सकते हैं वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं बन सकते हैं। कारण क्या है सर? क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जिनमें अपने हाथ से काम करने की क्षमता आते हैं, जो व्यायाम करके अपना आलस्य को दूर नहीं कर पाते हैं वह वेस्ट फेलोर है। आप इतना बड़ा व्यायाम किए हैं, रुष्ट-पुष्ट बने हैं और बलिष्ठ है, यदि आपका वह शरीर रहने पर भी आप अपना आलस्य को दूर नहीं कर सकते तो निरर्थक है। यह सारा व्यायाम है ना, निरर्थक माना जाता है। बच्चों, आपके जीवन में रहने वाले इस आलस्य को दूर करना है। जो मनुष्य आलस्य से दूर रहते हैं वह जीवन में सफल बन सकते हैं। बच्चों, आपको खेल कराते हैं, आप तो खेल कराते हैं, खेल कराकर आप अपने जो पीने के पानी को, ये समझ लीजिए आपका बैठने की जगह दूसरा जगह था और आप कहीं और बैठ गए, और नहीं तो ग्राउंड में ही है, आप अपने मित्र से कहकर वह पानी लाए तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। मनुष्य को अपना काम खुद करना चाहिए, इससे प्रतिष्ठा बढ़ते हैं। यदि आप वैसा नहीं किए तो आपको अहंकारी ऐसा कहलाते हैं। जो लड़का अपना काम खुद नहीं करते हैं, दूसरों से करवाते हैं, उसे अहंकारी कहते हैं। सामने तो नहीं कहते हैं लेकिन पीछे से कह देते हैं। इसलिए कहता हूं बच्चों, आपको अपनी इस आलस्य को दूर करना है। मां से कहते हैं, घर में पढ़ते हो, आप पढ़ते हो अच्छी तरीके से पढ़ते हो, बीच में आपको पानी पीना है, पानी पीते वक्त पीने के लिए आप क्या करते हो, डायरेक्टली बुला देते हो, अम्मा नीरु तंदु कोड़ो। नो, मेरा एक आपको सजेशन है, आप पढ़ने के लिए जाते हैं ना, पढ़ने के लिए जाते वक्त आपको एक तो लाइट के बारे में देखना है, दूसरा पुस्तक के, सभी पुस्तक जो पुस्तक आप चाहते हैं ना वो सभी पुस्तक आपके टेबल पर रहना है, और तीसरा वो एक महत्वपूर्ण है, वह है पानी। एक ग्लास पानी आप लेके जाइए और उसे आपके सामने रख लीजिए, यदि आपको प्यास लगे तो उस वहां से पी लेना है, बार बार किचन रूम जाकर पीना नहीं है, और जब पढ़ने के लिए बैठे तो आपको उठना ही नहीं है। एक बात है सर, आपने कहा है पढ़ने के लिए बैठे तो उठना ही नहीं है, मैं अपने भाई से यहां काम करवाता हूं। नहीं, यदि आपको अपना काम करना है तो प्लीज आपको क्या करना है,
अपना काम खुद कर लेना चाहिए। कुछ बच्चे करते हैं, क्या कर देते हैं, वहां का फैन स्विच ऑन करना है। ओके, वहां नजदीक रहा तो ओके, आपके बगल में ही बैठा है, जाकर वहां फैन लगा। नहीं, आपके लिए चाहिए ना वहां फैन, आपको ही जाकर फैन लगाना है। वो फैन के स्विच के नजदीक बैठे तो ओके, आप कह सकते हो ए फैन का स्विच ऑन कर, कह सकते हो। आपसे भी दूर है, फैन के स्विच से आपसे भी दूर है, उनसे आप कहा तो ए फैन के स्विच डालो, नहीं। ये अहंकार है, अहंकारित नहीं होना है बच्चों। आप जब आपके दिल दिमाग में अहंकार घुस जाते हैं ना, आपको आलस्य करने में यह बहुत प्रेरित कर देते हैं, आलसी बना देते हैं आपको। अहंकार को आपको दूर कर देना चाहिए। खेलते वक्त हर एक समय किसी को ऐसा समझ लीजिए, क्रिकेट खेल रहे हैं आप, क्रिकेट खेलते वक्त हर एक समय एक ही लड़के को बॉल लेकर आने के लिए ग्राउंड के बाउंड्री लाइन के पार जाने के बाद में आप उसी को ही कहे तो ये आलसी है आपका, अहंकार है। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको भी एक बार जाना है, तब क्या है वहां भी महसूस करते हैं यस इन्होंने मेरे ऊपर दर्प नहीं कर रहे हैं, ऐसा महसूस नहीं करते हैं। आप कभी नहीं जाते हो और इनसे ही कह देते हैं ए उठा के दे दो, वहां कह दो, यह कह दो, ये अच्छा नहीं है। आपको यह प्रवृत्ति दूर रखना है। यदि आलसी को दूर नहीं कर सकते तो वह निरंतर है। बहुत से बड़े बड़े खिलाड़ी चाहे एक मील की दौड़ के बाजे में ले जाए से कुछ जो रनिंग रेस में बहुत तेज रहते हैं, इतना स्पीड उनसे स्पीड और कोई नहीं रह सकते हैं। बहुत से बड़े बड़े खिलाड़ी चाहे मीलों दौड़ के बाजे में बाजी ले फर्स्ट आए, फर्स्ट आते हैं, कुछ आते हैं, लेकिन चारपाई से उठकर अपना आप पानी से पी लेने के आलस्य करते हैं तो ये निरर्थक है। इतना श्रम किया है, इतना व्यायाम किया है, इतना स्ट्रॉन्ग मसल्स बनाए हैं और रनिंग रेस में वह तो सबसे आगे है, लेकिन बैठा हुआ जगह से पानी लेने के लिए किसी दूसरों से पानी लाकर पी लिए तो ये आपका गौरव के लिए शोभा नहीं है बच्चों, यह आपके लिए अच्छा भी नहीं है। चाहे कितने भी बड़े लोग हो, अपना काम खुद कर लेना चाहिए। बच्चों में भेदभाव नहीं होते हैं, चाहे वह कितने भी बड़े व्यक्ति के बेटे हो, आपको यह आलसी को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। यह प्रवृत्ति को खिलाड़ीपन से विडंबना है, खिलाड़ीपन का विडंबना है। खिलाड़ी को ऐसा नहीं होना चाहिए, खिलाड़ी को यह गुण दूर कर लेना चाहिए। चारपाई से उठकर नहीं तो वह बेड से उठकर नहीं तो एक बैठे हुए जगह से उठकर अपना पानी खुद न पी पाए तो वह निरर्थक कहलाते हैं। यह उसका खिलाड़ीपन के लिए उतना बड़ा मेडल जीतने पर भी वह वेस्ट कहलाते हैं। सच्चे खिलाड़ी आलस्य को त्याग के साथ विफलता से भी विचलित नहीं होते हैं। सच्चे खिलाड़ी वह है जो आलस्य को त्याग करने के साथ साथ आलसी को त्याग करते हैं और विफलता को स्वीकार करते हैं। विफलता को जो स्वीकार करना जानते हैं ना, वह सच्चा खिलाड़ी बन सकते हैं। आलसी को दूर करना है तो साथ ही साथ विफलता से भी उसे डरना नहीं है। बच्चों, हमारे जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं इससे डर कर त्याग देते हैं। बच्चों, यहां बात आपको याद रहना है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान जोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।
इसलिए हमें यहां असफलता को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कोई भी जो इसे स्वीकार करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। दूसरे के साथ उदारता का व्यवहार मानसिक गुणों को भी अपने अनुशासन अनुशीलता के करना चाहिए। जैसे दूसरों से व्यवहार करना है, उन पर अहंकार नहीं करना है, ए मैं फर्स्ट आया हूं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, वैसा नहीं है। गोल्ड मेडलिस्ट आपसे भी पहले आए हैं। आपको दूसरों के साथ उदारता से व्यवहार करना यह भी सीख लेना चाहिए। बच्चों यह अत्यंत महत्वपूर्ण गुण कहलाते हैं। और इसके अलावा आपको देखिए एक और बात कह देता हूं, अपने हाथ से कुछ काम करने की जैसे पानी भरना, बोझ उठाना, मकान की सफाई करना, कपड़े धुलना व्यायाम का एक उपयोगी प्रकार है। आप घर में कुछ काम करते हैं ना, वहां काम किए तो वे व्यायाम करने के बराबर है। बच्चों यहां याद रहना है, हमारा जो नियम है, हम मानते हैं घर में क्या है, ए बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ये सभी लड़कियों का काम है। नहीं, जब आप कपड़े पहन सकते हैं तो क्यों कपड़े धो नहीं सकते हो? ऐसा नियम नहीं है, भगवान ने ऐसा बनाकर नहीं भेजा है। लड़कियां होंगे कपड़ा धोना है, बर्तन बांधना है और ऐसा करना है। बॉयज भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? जब आप इंजीनियरिंग पढ़ाई कर लेकर जाते हो और कई हॉस्टल में रहते हैं तो आपको ये सभी करना पड़ता है। अभी से सीख लीजिए, क्यों पीछे हटते हो? लड़कियों का काम नहीं है वहां, मां को अकेले ही करना है क्या? क्यों इतना सताते हो उसको? प्लीज उनको मदद कर दीजिए। माँ इतना खुश हो जाती है। आप एक छोटी सी बात देखिए, पानी वहां से यहां ला कर देना है, कितना प्रसन्न चित्त चेहरा उसके चेहरे पर रहते हैं, देख लीजिए। एक बार कोशिश कर दीजिए, प्लीज। इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट। प्लीज माँ को एक बार मदद कर दीजिए, माँ वह पानी मैं भर देता हूँ, देखिए कितना खुश हो जाते हैं। माँ आपको वेजिटेबल्स कट करने में मैं सहायता करता हूँ, करते हूँ, ये सभी कर दीजिए, कह दीजिए, बहुत प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। वो करने नहीं देते हैं, आपको करने के लिए नहीं देते हैं। एक बार कहकर देखिए उनके दिल में आपके लिए कितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहते हैं, यह याद रखिए। अपने हाथ से कुछ काम करना है, जैसे पानी भरना है, पानी भरने का काम, बोझ उठाने का काम, बारह एक तो याद नहीं आगे, मकान की सफाई करना, ये तो आपको करना ही है। आप पूर्ण जो मकान की सफाई नहीं किए तो भी ओके, आपके जो कमरे की जो सफाई आपको ही करना है, आपके लिए वही है। आपका जो कमरे का जो क्लीनलीनेस आपका है, टेक्स्ट बुक सही तरीके से रखना, झाड़ू पोंछ लगाना, क्लीनलीनेस रखना और पानी में कपड़े को धोकर उसको क्लीन कर देना, पिनल लगाकर ये सभी लगाकर आपको क्लीन कर लेना, ये सब आपको ही करना है, अपने हाथ से कर दीजिए। इससे आपकी क्षमता बढ़ते हैं और आपको एक प्राउड फीलिंग होते हैं, मेरा काम मैं खुद कर लिया हूं। नहाने के बाद में और नहाने से पहले आपको अपना कपड़ा धोने के लिए प्रयत्न कीजिए। बड़े बड़े कपड़ा आप नहीं धो सकते तो छोटा छोटा कपड़ा आप धो लीजिए, अपना काम खुद करने की क्षमता आना चाहिए। देखिए सफाई करना, कपड़े धोना व्यायाम का एक उपयोगी प्रकार है, इसमें हाथ के काम करने का गौरव आना चाहिए। नहीं प्राउड फीलिंग से कहना है, ये मुझसे काम करते वक्त कोई देख लेगा, ऐसे डर से नहीं है, मैं तो मेरा काम किया है ना, ये गौरव की बात है। ये तो क्या है, हमारे जो प्रेस्टीज की बात है, क्यों इतना डरते हैं? डरना नहीं है। यस, इसे अंग्रेजी में डिग्निटी इज मैनुअल लेबर, जो अपना काम खुद करते हैं ना उसका डिग्निटी गौरव बढ़ जाते हैं। अपने हाथ से काम करने की जो क्षमता का भाव बढ़ता है, हमें जनता का संपर्क में आते हैं। देखिए जो अपना काम खुद कर लेते हैं ना, माँ भी कहती है ए मेरा बेटा तो मैं ऐसे सभी कर देते हैं, क्योंकि क्या है मैं सिखा ले हूँ, अपने आप प्राउड फीलिंग करती है और अपने आप को
बहुत अपने मतलब बेटे के कारण से अपने आप को थोड़ा ऊंचाई पर रख लेते हैं। यह काम आपको करना है, मतलब छोटा छोटा काम आपको कर देना चाहिए। कर्मण्य के लिए कोई काम नीचा नहीं होते हैं। कुछ कहते हैं ये कपड़ा धो लिए तो ये तो लड़कियों का काम है, हमें तो लड़कियां कहते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, सबके घर में वॉशिंग मशीन तो रहते हैं, वॉशिंग मशीन में तो डाल सकते हैं ना, वॉशिंग मशीन में डाला हुआ कपड़े को सनलाइट में तो डाल सकते हैं ना। ये छोटा छोटा काम है यार, ये बड़ा काम इतना समय नहीं लेते हैं, एक घंटा दो घंटा नहीं लेते हैं। जो काम आप आईपीएल मैच देखने के लिए बर्बाद करते हैं ना, उतना समय तो नहीं लेते हैं। ये तो छोटा सा जो समय है, इस छोटे से समय को समय में आप अपना काम कर दीजिए और माँ को भी मदद कर दीजिए। काम मनुष्य को ऊंचा उठाता है। जो आदमी मनुष्य काम करते हैं उसको ऊंचाई पर रहते हैं, क्योंकि अपने आप प्राउड फीलिंग करते हैं, उसको गौरव प्रदान करते हैं। क्योंकि मैं भी पिछले दस साल से इंद्राणी स्कूल में हूँ और यहाँ मणिपाल में रहता हूँ मैं। मेरा माँ तो घर में रहते हैं, गांव में रहती है, लेकिन मुझे तो अपना काम खुद करने का जो प्राउड फीलिंग है, क्योंकि क्या है, मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ सब कुछ, चाहे बर्तन मानना हो, कपड़ा धोना हो, ये सब कुछ सबको आना चाहिए। ये तो ये यहाँ नहीं है, सबको आना चाहिए। अभी पत्नी आई है इसलिए मैं अपना काम उसको थोड़ा दे देता हूँ, बांट देता हूँ, वह करने नहीं देती है। इस तरह है बच्चों, यहाँ आपको जो कर्म करने से और कार्य करने से आपका गौरव बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। काम करना एक प्रकार की पूजा है, 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 काम करना एक प्रकार की पूजा है। देखिए काम किए तो यह पूजा के समान है। भगवान की पूजा करते हैं ना आप, आराधना करते हैं ना, वह उसके समान है। आपको यहां सभी आपको एक विशिष्ट तरह से देखते हैं। जो आप जो मदद करते हैं ना, जो काम करते हैं ना, उसको काम करने का वह तरीका भगवान की पूजा करने के तरीका जैसा है। वर्क इज ए वर्शिप, इन इंग्लिश कहते हैं ना, वर्क इज ए वर्शिप। जो आदमी हाथ से काम करते हैं उनमें आत्मनिर्भरता आती है। जो आदमी अपना काम खुद कर लेते हैं, अपना काम स्वयं कर लेते हैं, वह आत्मनिर्भर बन जाते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं। जो आदमी हाथ से काम करते हैं उनमें आत्मनिर्भरता आते हैं, उनका जीवन संतुलित और सौंदर्यमय बन जाता है, लोग उनका अनुकरण करने का तैयार कर देते हैं। जो आदमी हाथ से काम कर लेते हैं उनका अनुकरण कर ले, आपको फॉलो करने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं। देखो उसके घर में उसका बेटा ये सभी काम कर देता है, तुम क्या करते हो? यस, मुझे भी करना है। यह अनुकरण के भाव आपके दिल में आते हैं, सबको आप एक रोल मॉडल की चेहरा बन जाते हो। जो लोग काम से दूर भागते हैं उनके अनुयायी नौकर चाकर बेकार टालते रहते हैं। देखिए टालते हैं, जो लोग काम से दूर भागते हैं और उनके अनुयायी और नौकर चाकर से बेकार टालते हैं और नौकर चाकर से डिपेंड रहते हैं, वह अपने जीवन में कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते हैं। वह सर्वत्र डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इंडिपेंडेंट रहना सीख लेना चाहिए। हमको अपने नौकर से यह कहना नहीं है कि जाओ अमुक काम कर लो, हमें ऐसा नहीं ऑर्डर नहीं देना है, हमें ऐसा ऑर्डर कभी नहीं देना है, ए वह काम कर लो। यह कहना चाहिए कि अपने नौकर से भी वैसे ही बर्ताव करना चाहिए, श्रेयस करोगे कि आओ हम मिलकर यह काम करेंगे। देखिए यह क्या है, गौरव देने की तरीका है। वह भी जो लेबर है ओके, फिर भी उसको गौरव देना हम सबके कर्तव्य है। ऐसे जो करने से हम क्या हो जाते हैं, उसकी नजरों में बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। इसलिए कह रहा हूं बच्चों, किसी भी लेबर्स को आपको
नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको तुच्छ नहीं मानना चाहिए, आपका सेवक है ऐसा नहीं मानना चाहिए, आपको मदद करने के लिए आया है ऐसा मानना चाहिए। बच्चों आज की कक्षा में हम सफाई और व्यायाम नामक पाठ पूर्ण तरह से कंप्लीट किए हैं। इसके बारे में यदि डाउट्स है तो आपको आप कक्षा में आते हैं ना उस वक्त पूछ सकते हैं, और इसके प्रश्नोत्तर को आने वाली कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही साथ इसके सभी जो प्रश्नोत्तर आपके पीडीएफ के जरिए आप तक पहुंचने वाले हैं, आप सभी उसको लिखकर रखने वाले हैं संभाल कर। आपकी कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।